हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओब्लीप्रेप्स। आज हम बात कर रहे हैं 19 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की। 19 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आज के हमारे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, NMIC का उद्घाटन कौन करेंगे? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी 2019 को मुंबई में सिनेमा के भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण का प्रस्ताव कौन पारित करवाएगा? आंसर है अशोक गहलोत। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाने का नीतिगत फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है नागपुर। 18 जनवरी 2019 को नागपुर में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रभात सिंह। वरिष्ठ अधिकारी प्रभात सिंह को 17 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार में महानिदेशक जांच के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसरो ने 17 जनवरी 2019 को बैंगलोर में उन्नति कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BES एक्सपो 2019 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। BES एक्सपो 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ। उपग्रह प्रसारण BES एक्सपो 2019 पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन 25 जनवरी को कौन करेंगे? आंसर है CM योगी आदित्यनाथ। CM योगी आदित्यनाथ 25 जनवरी को नोएडा में मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार वनडे सीरीज कौन सी टीम जीती? आंसर है इंडिया। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार वनडे सीरीज भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने यूपी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया? आंसर है 10%। गुजरात झारखंड के बाद अब यूपी में भी गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण, कैबिनेट ने किया फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने रुपए का तिमाही मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बनी? आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10,000 करोड़ रुपए का तिमाही मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बनी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 19 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।